नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी AICC की महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की कांगड़ा रैली शुरू हो गई है। यह रैली कांगड़ा के नगरोटा बागवा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के नाम से ही हो रही है। प्रियंका गांधी पहले कांगड़ा के ज्वाला जी के मशहूर शक्तिपीठ पहुंची। वहां पर प्रियंका ने माँ ज्वाला का आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने माँ ज्वालामुखी, माँ बंगलामुखी, माँ चिंतपूर्णी का जिक्र करते हुए कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप असंभव को संभव कर सकते हैं। उन्होंने भूमि के साथ वीर भूमि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की रखवाली के लिए कांगड़ा ने कई वीर पुत्र दिए। मैं भी एक शहीद की बेटी हूं। मैं भी शहीद के परिवारों का दर्द समझती हूं। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया इंदिरा जी। जब हिमाचल का गठन किया तो कहां गया? ये कैसे चलेगा? लेकिन यहां की जनता ने अपनी मेहनत से इसे बनाया। यहां पर लोग जुटने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पंडाल में लोगों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी दोपहर 12:30 तक जनसभा स्थल पर पहुंचेंगी। धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी एवं AICC सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी का कांगड़ा जिले का यह पहला दौरा होगा। चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी की यह दूसरी जनसभा है। इससे पहले 31 अक्टूबर को छोटी काशी मंडी में भी विशाल जनसभा संबोधित कर चुकी है। चुनाव के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी ने सोलन से परिवर्तन प्रतिज्ञा शैली का शंखानंद किया है। नगरोटा के बाद 7 नवंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जनसभा करेंगी। 10 अक्टूबर को भी पार्टी शिमला रोड पर और चौपाल में प्रियंका की रैली प्लान कर रही है। लेकिन प्रियंका का अब तक यह दौरा तय नहीं हुआ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।